अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह आप सब लोगों को अच्छा रखे, आप लोगों के नेक हाजतें नेक तमन्नाएं पूरी करें। आपको आज बता रही हूँ मैं रतालू की खीर। रतालू माने स्वीट पोटैटो, उसकी खीर। उसके लिए चाहिए रतालू है, ये देखिए, ये 300 ग्राम। मैं उसको ऐसे पीसेस में काट ली, छोटा छोटा, जैसा आप आलू कैसा काटते हो वैसा काट लेना। और 1 पिंच ज़ाफ़रान, 25 बादम, ये शुगर है 3/4 है ये, क्योंकि रतालू में ख़ुद शक्कर रहती। अगर आप लोग शुगर ज़्यादा खाते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और ये 1 लीटर दूध है, इसको मैं गर्म कर ली, अच्छा सा खल खल पक रहा था तो बत्ती कम कर दी। इसके अंदर मैं अब रतालू डाल दूंगी। और इसमें से मैंने थोड़ा सा दूध ये ज़ाफ़रान के लिए ले रही हूँ मैं, गरम दूध डालना है ज़ाफ़रान में कलर आने के लिए। और ये इसको मैं अच्छा 15-20 मिनट तक पकाऊंगी, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी। थोड़ी देर में गल जाते हैं, कुकर में नहीं बनाना है। और ये बादाम मैं रात में भिगने डाल दी थी, तो आपको पानी में बॉईल नहीं करना है, खीर में मज़ा नहीं आएगा। रात में भिगा देके आप इसे जैसा बादाम काट लेते ना वैसा काट ले दी काट लीजिए स्किन रिमूव करके, फिर मैं आपको आगे आगे बताते जाता। ये देखिए गल गए, कलर भी चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो जाता गल गए बाद से। तो आप इसको क्या करना, ऐसा फोक से देख लीजिए, ये देखिए पूरे ऐसे हो गए सॉफ्ट। तो मैं अब चूल्हा बंद कर दूँगी, गैस बंद कर दूँगी, फिर उसके बाद आपको ये पूरा ठंडा हुए बाद से बताऊँगी। मैं फ़ैन में रख दूँगी, ठंडा करके बता दी। देखिए ये ठंडा हो गया रतालू दूध, थोड़ी देर बाहर रख के बाद में फ्रिज में रख दी, ठंडा हो गया। ये ज़ाफ़रान में भी देखिए कलर आ गया, बादाम कट कर ली मैं। ये शुगर है, मैं पहले शुगर का क्या करूँगी बताती हूँ आपको। देखिए क्रैमल बना रही हूँ मैं, अब इसमें मैं शुगर डालूँगी थोड़ी सी। अभी गैस ऑन नहीं करी मैं, इसमें ज़रा भी पानी नहीं डालूँगी मैं, और ये थोड़ी शुगर बचा ले रही हूँ मैं, बाद में डालूँगी। गैस ऑन कर दूँगी, देखिए मीडियम फ्लेम रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा कम मीडियम से भी। इसको क्रैमल होने दूंगी, काला नहीं करना है, जलाना नहीं है, नहीं तो आपको मज़ा पूरा जला हुआ आएगा। ये देखिए मैं रतालू डाल रही हूँ, दूध के साथ नहीं डाल रही हूँ मैं, ऐसे ही डाल रही हूँ, पेस्ट बना लूँगी मैं। और पके बाद से इसका कलर चेंज हो जाता रतालू का, पूरा आपको ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो रही शुगर, ऐसे कलर आना है, ऐसा रिमूव करते रहना है आपको। देखिए ग्राइंड हो गया, डाल दे रही हूँ मैं इसमें। और गाढ़ी गाढ़ी रहना है खीर, पतली नहीं रहना है। पहले आपको दूसरा स्टेप बताती हूँ, उसके बाद हो गया। गल रही देखिए, पिघल गई थोड़ी सी है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े से बादाम। आपको इस ये रतालू की खीर में बटर स्कॉच का मजा आएगा, बिल्कुल चिल करके खाइए, बर्फ मत जमाइए, चिल करके खाइए। थोड़ा ऐसे छोना है ये, उसके बाद मैं अब गैस बंद कर दूंगी। गैस बंद कर दी मैं, अब गैस पे से हटा लूंगी, दूर रखूंगी आपको। अब ये इसमें डालना है जो अपन क्रैमल करें ना, इसमें डालना है। और आप लोगों को मैं एकदम वो कम करके बता रही हूँ, और क्रैमल डाल के आपको ऐसा छोड़ देना है, इसको एकदम वो करना है, ऐसी आवाज़ आना आपको कर कर, तो उसका फ्लेवर आते जाएंगे।
और ये ज़ाफ़रान का मिल्क डाल दूँगी मैं इसमें। और ये शुगर, अब ये उस पर चूल्हे पे नहीं रखना है, ये शुगर भी डाल दूँगी। अगर आप ना ज़्यादा खाना चाह रहे हैं शुगर तो ज़्यादा डाल सकते हैं। बस क्रैमल बनाना अच्छा आना है सूर्या, तो पूरी बटर स्कॉच का मज़ा था। और आप इफ्तार में भी बांट सकते हैं। और वो जने बोलते थे मेरे को यार डेजर्ट्स बताइए बच्चियाँ हमारे, तो देखिए ये भी एक डेजर्ट है रतालू का, और मैं अक्सर रमज़ान में बनाती हूँ ये। और थोड़े बादाम डालूँगी मैं, बाकी का डिस्प्ले के लिए रखूँगी। और आप कने अगर ज़ाफ़रान नहीं है तो आप थोड़ा कलर भी डाल सकते हैं, बादाम नहीं है तो खाली क्रैमल बना के डालिए, मगर ज़ाफ़रान और क्रैमल से आपको बिल्कुल आइसक्रीम का मज़ा आएगा। और अगर ज़ाफ़रान नहीं है तो विनोलिया एसन ज़रूर डालिए, आप कने स्ट्रिप्स है स्ट्रिप्स डालिए, क्रैकर्स है क्रैकर्स डालिए, सिरप है सिरप डालिए। ये देखिए मैं निकालते जा रही हूँ, आवाज़ आ रही होगी ना आप लोगों को, तो क्रंच ऐसा क्रिस्टल आते उसमें। गरम गरम में आपको छोड़ देना है। अगर आप लोगों को क्रैमल बनाना नहीं आ रहा कम बत्ती पे तो दो चाय के चमचे पानी डालिए, उससे जल्दी पतला हो जाएगा, मगर जलाना नहीं है। अब मैं आपको डिस्प्ले करके बताती हूँ। देखिए बनके रेडी है रतालू की खीर, और बनाइए फीडबैक ज़रूर देंगे आप लोग। और क्रैमल थोड़ा स्लो चूल्हे उस पर गैस पर रख के बनाइए, नहीं तो जल जाएगा। और अगर आप इसमें क्रीम भी मिलाना चाह रहे हैं तो बराबर, मैं तो नहीं मिला रही हूँ, क्रीम मिला सकते हैं आप इफ्तारी बांटते वक्त, ऊपर से क्रीम वाले तो बिल्कुल आइसक्रीम का मज़ा आता है, बिल्कुल चिल्ड करना है आपको। और आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं या कोई दावत दे रहे हैं जुमागी ऐसा करते ना, तो ऊपर से वरख लगा देंगे तो बहुत अच्छा दिखता। या इसमें आप जेली के क्यूब्स भी कट करके डाल सकते हैं घर पर बना के, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है तो भी बहुत अच्छा लगता। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।